आखिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव राय को फांसी क्यों हुई? यानी उस दिन क्या हुआ था जिस दिन जो है अपने भारत के वीर सपूत जो आजादी के मसीहा था उसको फांसी दिया गया? वह दिन जो थे बड़ा ही कष्टदायक दुखी का दिन था, जिस दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव राय को फांसी दिया गया। जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव राय को कैसे जो है फांसी दिया गया। पूरे अपने भारतवासियों को जो थे उस दिन आंखों में जो है आंसू आ गया था। बहुत ये कष्टकारी दिन था। उस दिन हुआ ये था कि इससे पहले जो है एक घटना घटा था जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव राय, जो है तीनों मिलकर के जो है ब्रिटिश जूनियर पुलिस जो है अधिकारी को हत्या कर दिया। यानी ब्रिटिश के जूनियर पुलिस अधिकारी था जॉन सॉन्डर्स, ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जो थे जॉन सॉन्डर्स, उसको जो है गोली मार करके हत्या कर दिया। ये बहुत ही जो थे कष्ट देता था ये भारत को, जनता को अत्याचार करते थे। इसीलिए जो है ये तीनों वीर अपने भारत के मसीहा जो इसे गोली मार करके खत्म कर दिया उस दिन। और इसके बाद जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव राय जो है फिर एक बॉम्ब जो है ना सेंट्रल असेंबली में जो है बॉम्ब फेंक दिया। सेंट्रल असेंबली में जो है सुखदेव राय, भगत सिंह और राजगुरु जो है बॉम्ब फेंका। उस बॉम्ब से जो है बहुत सारे अंग्रेजवा को मरबे किया। और उसके साथ साथ जो थे जो बड़े हेड कमांडर सब जो अंग्रेजवा सब था वो अभी मर गया, समझ गया ना। और जिसके चलते जो है पूरे ब्रिटिश पदाधिकारी सब चिंतित होने लगा कि जब तक ये तीनों जो है भारत में है तब तक जो है हम लोग शासन नहीं कर पाएंगे। ये जो है उन लोगों को डर सताने लगा और इसीलिए जो उन तीनों को जो है पकड़ने की चेष्टा बनाई, योजना बनाई। परंतु जिस दिन जो बॉम्ब फेंका ना उस दिन जो है ये तीनों वही रह गया, भागा नहीं यहां से। ये अपना जो है ना खुद को जो है पकड़वाने की कोशिश किया और यहां पर जो है अंग्रेज उसे पकड़ ही लिया। ये बहुत ही कष्टदायी दिन था ये। और तीनों को जो है फांसी की सजा सुना दी गई, समझ गई। यानी 24 मार्च 1931 ईस्वी को जो है ये तीनों को फांसी सुनाई गई थी कि उस दिन फांसी देना है 7:33 पर। यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव राय जो है तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई 7:35 पर। परंतु होता यह है कि उसे एक दिन पहले की फांसी की सजा हो जाती है। यानी अंग्रेज को जो है ना पूरे जो है अंदर से डर सताने लगता है, भय होने लगता है कि जब तक ये तीनों जिंदा है तब तक जो है हम लोग चैन से नहीं सो सकते। इसलिए एक रोज पहले ये जो है ना सजा की तिथि कर लिया। परंतु जो है उस समय कांग्रेस अध्यक्ष जो थे मदन मोहन मालवीय, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय था, वो जो थे अंग्रेज अधिकारी के समक्ष गया जो कहने के लिए कि तीनों वीर सपूत को जो है आप फांसी न दीजिए, इस तीनों को फांसी न दीजिए। परंतु उसके बात को वह सुना नहीं, माना नहीं अंग्रेजवा। बहुत ही कष्टदायी समय था। इसके बाद जो है गांधी जी भी गया अंग्रेज के सामने कि तीनों को फांसी रोक दिया जाए, परंतु उसके भी बात नहीं माना। या गांधी जी ज्यादा प्रेशर ही नहीं दिया होगा, यह भी हो सकता है, जो हम आगे चर्चा करेंगे गांधी जी के बारे में। और
तो होता यह है कि उसको जो फांसी था 24 मार्च 1931 को उसको घटा करके जो है 23 मार्च 1931 कर दिया गया और किसी को यह खबर नहीं दिया गया, किसी भी जनता को यह खबर नहीं दिया गया कि उसको जो है ना फांसी की सजा जो है कम कर दिया गया या उसको हल कर दिया गया है। जब तीनों जो थे फांसी पर जा रहे थे लटकने के लिए तो अपने देश का नाम ले रहे थे पूरे ही जोश और जुनून के साथ, वह नारा लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद की नारा दे रहे थे। तीनों वीर सब जो है इतना जोर जोर से नारा दे रहे थे इनकलाब जिंदाबाद की, पूरे जो है यहाँ पर माहौल हिल गया, हर लोगों के कानों में ये आवाज जाने लगा और सब लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो गया। जब उसको जो है तीनों को एक ही साथ जो है फांसी जो है दे दिया गया 7:33 में, 7:33 में जो है उन तीनों को फांसी दे दिया गया यानी 23 मार्च 1931 को। ये बहुत ही जो थे उस दिन दुखी का दिन था। जब उस दिन जो है उसको फांसी देने के बाद उसको सबको जलाने का समय आया तो उसमें जो है किसी को भी जो है शामिल नहीं किया अंग्रेजी, और पूरी एकांत जगह में जो है इसको ले जा करके जलाने की कोशिश किया, जिसमें होता यह है कि यहाँ पर किसी को खबर नहीं था और यहाँ पर जब जलाने लगा तो बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठी हो गई है आग को देख करके, जो यहाँ पर आग अचानक कैसे लग गई है। जब यहाँ पर गए बहुत से लोग तो यहाँ से जो है अंग्रेज डर के भाग गया यहाँ से, क्योंकि अंग्रेज भी जो थे भारतीय जनता से डरते थे, ऐसे बात नहीं था कि यह निडर थे, ये भी डरते थे। जो बहुत सी जनता यहाँ पर पहुंचा ये सब यहाँ से भाग गया और यहाँ की जनता जो है अपने ही संस्कार से उस तीनों को जो है अंतिम संस्कार करा। इसके बाद जो है यहाँ से सब चले गए। और एक बात हम बताएंगे कि उसमें गांधी जी उसमें कितना योगदान किया था। जो हम अंग्रेज के पास गांधी जी गए थे पैरवी करने के लिए कि इस तीनों को जो है ना फांसी पर नहीं चढ़ाया जाए छोड़ दे, इसमें ये कितना सच्चाई है या नहीं है। एक बार जो है गांधी जी यहाँ पर एक अध्यक्ष मतलब जो थे यहाँ पर कमेटी में जो थे ना कोई काम था तो यहाँ पर गांधी जी जा रहे थे यानी लाहौर अधिवेशन में जो थे गांधी जी जा रहे थे। तो यहाँ की जनता क्या किया तो काले झंडा दिखा करके उसको स्वागत किया, यानी इसका मतलब ये होता है कि गांधी जी इसमें कोई योगदान नहीं किया इस तीनों वीर सपूत को बचाने के लिए, क्योंकि पूरे जो थे भारतवर्ष में हर किसी के आंखों में पानी आ गया था परंतु ये लोग चैन से बैठे थे, किसी भी प्रकार की उसको चिंता नहीं थे। और भगत सिंह को जो है अभी तक शहीदों की मतलब सूची में नाम नहीं जोड़ा गया है, भगत सिंह को अभी तक शहीदों की सूची में नाम नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि अंग्रेज उसे जो थे आतंकवादी मानते थे। भगत सिंह को अंग्रेज आतंकवादी मानते थे, वो अपने कागजात में लिख दिया था कि भगत सिंह एक आतंकवादी है, और इसी कारण जो है अभी भी भारत के सरकार उसे आतंकवादी ही मानते हैं, उसे अभी तक शहीदों की सूची में नाम नहीं जोड़ा गया। अभी भी भगत सिंह के परिजन जो है उसे शहीदों में नाम जुड़वाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर भी अभी तक सरकार उसके परिजन की बात नहीं माना है। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।